अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट की ये हमारी 11वीं वीडियो है। अभी तक हम फ्रंट एंड बैक एंड का प्रोजेक्ट सेटअप कर चुके हैं रिएक्ट जेएस में, लारावेल में। उसके अलावा एपीआईस को सेटअप कर चुके हैं, फ्रंट एंड में लॉगिन, रजिस्टर और लॉगआउट की एपीआई को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीन टोटल एपीआईस को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि एक एपीआई हम न्यू क्रिएट करेंगे अपडेट यूजर स्टेटस। वो एपीआई हम पहले इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि ये होगा कि हम लास्ट एक्टिव ऐड, जब भी पेज रिफ्रेश हुआ करेगा तो हम ये एपीआई कॉल करेंगे, और इस एपीआई का ये काम होगा कि ये टोकन को वैलिडेट करेगी कि ये जो लोकल स्टोरेज में हमारे पास टोकन स्टोर है वो वैलिड है कि नहीं। उसके बाद एक साथ और एपीआई कॉल हुआ करेगी, गेट यूजर डाटा, जब पेज रिफ्रेश हुआ करेगा। उसका काम ये होगा कि वो यूजर का अपडेटेड डाटा बैकएंड से लेके आएगी, और जब जब हम कभी यूजर प्रेफरेंस को अपडेट करेंगे, जो कि यूजर के पास एबिलिटी होगी अपनी प्रेफरेंस को अपडेट करने की, तो तब तब ये एपीआई भी कॉल होगी और हम इस यूजर के रिलेटेड अपडेटेड डाटा को बैकएंड से फेच करेंगे। और लास्टली जो मैंने एपीआई का नाम लिया अपडेट प्रेफरेंस की एपीआई, वो हम अपडेट यूजर डाटा उसमें उसको कवर करेंगे, जिसमें कि यूजर के पास एबिलिटी होगी कि वो अपनी डाटा को अपडेट कर सके, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज को अपडेट कर सके। ये चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा। यहाँ तक लास्ट हमने काम किया था, और साथ ही ये हमारा फ्रंट एंड है, और साथ ही हम इसके बैकएंड को भी ओपन कर लेंगे। बैकएंड में अब सबसे पहले मैं माइग्रेशन में चेंज करूंगा एक, और यहां पर इसी फील्ड को कॉपी करके इसको डेट टाइम की फील्ड कर दूंगा, जो कि है लास्ट एक्टिव एट। इसमें बेसिकली हम यूजर का जो, जब भी ये एपीआई कॉल करेंगे अपडेट यूजर स्टेटस वाली, तो इसमें करंट डेट को सेट कर देंगे जिस टाइम पे वो एपीआई कॉल हुई थी। नेक्स्ट मैं यहां पर एपीआई को कॉल करूंगा, और इसको मैं बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू इसमें सेट कर दूंगा, न्यू सॉरी कार्बन नाउ, दैट्स इट। अब एक एपीआई यहां पे आएगी, इस पर मैं कॉपी कर लेता हूं स्टेटस, और यूजर कंट्रोलर में आ जाएंगे, इससे मैं कॉपी कर लूंगा। और इसमें कुछ भी वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ वैलिडेट करने के लिए होगा ही नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ एक डाटा करना है और ये रहेगा क्योंकि हमें यूजर चाहिए। और एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ यूजर को लेने का। आप कह सकते हैं ऑथ, ये बेसिकली, और यूजर, ये आपको करंट यूजर रिटर्न कर देता है। और इस पे आप कह देंगे लास्ट एक्टिव एट ओके। बेसिकली ये यूजर तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसका डाटा रिटर्न कर रहा है, और उसकी म्यूटेशन टाइप मीन के जिस पे हम अपडेट कर सके वो रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैं वापस इसी मेथड पे आ जाऊंगा, ताकि एटलीस्ट हम उस यूजर पे जो ऑब्जेक्ट ये मेथड कॉल करना है ये कॉल कर सके। ओके,
और इसको चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, करंट डेट टाइम, ताकि ये समय लग जाए बाद में कभी देखें तो, और उसको यहाँ पे, दैट्स इट, इतना सा इसका काम। एक काम रह गया जो कि हम मॉडल में करेंगे, जो कि यहाँ पे कास्ट में ऑलरेडी हो रहा है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और लास्ट एक्टिव एड को भी हम डेट टाइम में कास्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश डैश डैश सीड करूंगा और प्रोजेक्ट को रन करूंगा, और उसके बाद मैं फ्रंट एंड में वापस आ जाऊंगा। फ्रंट एंड में आने के बाद मैं HOC में ही आ जाऊंगा, क्योंकि ये काम हम HOC में ही करेंगे, और इसमें इसका मैंने अभी सॉरी API URL बनाना मैं भूल गया, या मैंने शायद बना लिया, जी बना लिया, लेकिन इसको मैं पोस्ट करूंगा, पोस्ट का ये मेथड होगा ना के पुट का। यहाँ पे हम ले लेंगे कंट्रोल दिस यूज पोस्ट रिक्वेस्ट, और कोई भी क्यूरी इनवैलिडेट करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे म्यूटेशन एसिंक होगी, और ये बेसिकली मैं ऑथ डाटा को गेट कर रहा हूँ, इसी में हम ये काम कर लेंगे, क्योंकि ये रिफ्रेश पे ही चलेगा ऑन रिफ्रेश, और ये मैंने शायद गलती से ऐड कर दिया था, ये ओके है, ये सही जगह पे लगा हुआ है। ये हमारे पास ऑथ डाटा आ गया, ऑथ डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन कोड आ गया, और ये आ गया है। हम यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ये नल हो सकता है इस वजह से, तो उसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो रहने देते हैं। ये हमारे पास कोड, यहाँ पे यूजर डाटा सेट हो रहा है, तो उससे पहले अपडेट यूजर स्टेटस इन बैकएंड लास्ट एक्टिव एट, और उसके लिए जो URL है API URLs, उसमें मुझे एक URL ऐड करना पड़ेगा स्टेटस, और डॉट अपडेट यूजर स्टेटस, ये URL है, दैट्स इट। और ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, नहीं तो ये काम नहीं करेगी, इज ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, और ये क्योंकि हमारा डाटा जो लोकल स्टोरेज का काम है वो पहले ही हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा काम सही चलेगा। और यहाँ पे मैं इसको कॉल भी तभी कर रहा हूँ जब ये चीज कंफर्म कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन टोकन है। ये चीज इसके साथ कंप्लीट हो जानी चाहिए, ट्राई कर लेते हैं एक दफा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और अभी ये API कॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी लॉग इन नहीं है। यहाँ पे जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा सबमिट, और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अब जो सॉरी ये क्या हुआ, ओके बस एक मिनट, ओ सॉरी, क्योंकि मैंने अभी माइग्रेट रिफ्रेश सीट किया तो इस वजह से ये यूजर डिलीट हो गया, तो पहले इस यूजर को बना लेंगे, और कंफर्म करने के लिए फ्रंट एंड वैलिडेशन चल रही है, तो डन है, यूजर बन गया। और उसके बाद अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि अपडेट की जो API है वो कॉल हो रही है, और मेनली सब यही चाहिए, और जब ओके दैट्स इट। एक चीज जो हमने करनी है वो ये है कि जब एरर आए तो ये चीज को क्लियर करनी है, लेकिन इसके साथ जब हमने ये चीज क्लियर करनी है तो सेट यूजर और डाटा आर स्टेट, यूज सेट रिपल दिस यूजर डाटा आर स्टेट एटम, इसको भी सेट करना है। तब जब भी इसको क्लियर करना है तो उसके बाद ये करना बहुत जरूरी है ताकि फ्रंट एंड की UI पे रिफ्लेक्ट भी हो चीज। ओके ये हो गया,
और लेट्स से कि अब मैं अगर बैकएंड में वो कर देता हूँ, बैकएंड को माइग्रेट रिफ्रेश सीड कर देता हूँ, तो अब आप देखें जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये ये फेल हुई है लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हुई। चलिए ये भी अच्छा है, इसको हम डिबग कर लेते हैं कि ये क्लियर क्यों नहीं हुई। यहाँ पे आते हैं और ऑथेंटिकेटेड, ओके सॉरी 401 कंसोल डॉट लॉग ओके। किसी तरह बेसिकली ये वहां तक नहीं आ रहा, ऑन एरर तक। कोई मसले वाली बात नहीं है, हम कोड में इसको इजीली डीबग कर लेंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये ऑन एरर कॉल ही नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे वापस आते हैं और इसका अलर्ट यहां पे भी ऑन एरर कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं। यहीं पे एरर आ रहा है। ओके लेट्स सी, ट्राई कैच एंड थ्रो न्यू एरर, थ्रो एरर नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे अलर्ट चलता है? अलर्ट भी नहीं चलेगा। नो प्रॉब्लम, इसको बस देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये करना है कि ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, ये चीज़ ओके है। एरर इस पॉइंट पे जाकर आ, ठीक है, ये कह रहा है कि जब हमने वो क्यूरी क्लाइंट बनाया तब हम इसको यूज कर सकते हैं। क्यूरी क्लाइंट में आ जाते हैं,
नहीं, नहीं जी, ये कॉल नहीं हो रहा था, इसको रहने दो। डिफॉल्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉल नहीं हो रहे तो इनको मैं खत्म कर दूं। इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्यूरी चलो एटलीस्ट ये तो आ रहा है यहाँ पे, इस एरर वगैरह ये सारा कुछ फॉल्स आ गया, जो कि बड़ी अजीब बात है मेरे लिए। और ठीक है, ये लगे चले, एटलीस्ट यही चीज क्लियर होगी। ये इस एरर को भी समझ लेंगे कि ये एरर कहाँ पे आता है, मीन ये चीज चल ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसको अलर्ट करवाते हैं यहाँ पे ताकि ऑन सक्सेस देख सके। फिलहाल ऑन एरर तो नहीं हो रहा, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसका ये सारा लॉजिक मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। और यहाँ पे कहा
हो गया। और ओके ये कौन हो रहा है। चलो ऑन म्यूटेड कॉल हो रहा है। डेट भी कॉल हो रहा है। चलो ये दोनों कॉल हो रहे, मेनली आदत का ही मसला था। ये हुआ। और अब अगर मैं फिर इसको क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी बार ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मेनली यही चाहिए, दैट्स इट। ओके काम सही हो गया। नेक्स्ट अब हमारा जो ऑन स्टेटस अपडेट वाली एपीआई थी वो हो गई है। नेक्स्ट अब हम गेट यूजर डाटा की एपीआई को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे एक दफा फिर
मैं बैकएंड में आऊंगा और इस दफा मैं बेसिकली इसका सीडर क्रिएट कर लूंगा। सीडर इसका पहले ही क्रिएटेड है, उसमें सब डाटा ऐड कर लूंगा ताकि ये जो बेसिक से चीज़ है, यूज़र जो क्रिएट करने वाला काम है, ये ऑटोमेटिकली होता रहे। ओके यूजर फैक्ट्री फेक नेम ओके फिर इसे कॉल करते हैं और अब की बात होपफुली एक यूजर भी क्रिएट हो चुका होगा। जी और अब जब मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो वो लॉगिन भी कर सकेगा। मेनली सिर्फ इस वजह से किया था कि अगर मैं ये कमांड दोबारा रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये काम ठीक है और मैं उसी यूजर से लॉगिन भी कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार ये यूजर क्रिएट ना करना पड़े। ओके यहाँ पे अब मैं गेट यूजर की एपीआई इंप्लीमेंट करूंगा और उसके लिए हम यूज क्यूरी को यूज करेंगे क्योंकि हमने गेट करना है डाटा। यहाँ पे आएंगे, अभी तक ये यूज म्यूटेशन को ही मैंने किया हुआ है, ऑलमोस्ट इसी की तरह की बनेगी। एक्सेस एरर को मैं अभी के लिए खत्म कर दूंगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट दिस यूज गेट रिक्वेस्ट, मेथड की जरूरत नहीं है क्योंकि गेट ही होगा। क्यूरीज अगर कोई इनवैलिडेट करनी है तो वो बता दे और ये ठीक है। यहाँ पे यूज क्यूरी होगा, यहाँ पे क्यूरी फंक्शन और क्यूरी सॉरी की चाहिए मुझे, वो मैं अभी बताता हूँ क्या होती है। साथ में मुझे क्यूरी का फंक्शन चाहिए और इस पे मैं वापस आता हूँ। अभी इसको बेसिकली हम क्यूरी कह लेंगे। ओके ये चल रहा है जो कि बड़ी अच्छी बात है। चले ये लॉजिक फिर अगर कॉमन कर लें तो जरा बेहतर रहेगा। ओके इस चीज को मैं रहने दे रहा हूँ। मैं इस चीज
ओके इंडो का मतलब जैसे नाम से जाहिर है, जब नेट रिकलेक्ट होता है रिफेच करो, और जब विंडो फोकस होता है रिफेच करो। ऑन सक्सेस है। ओके अच्छा जी। ओके अच्छा। सो बेसिकली यहाँ पे एक तो मैंने इसे थोड़ा सा रिफैक्टर किया है। यहाँ पे बेसिकली ये लॉजिक एक अलग फंक्शन में लगा दिया, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और उस फंक्शन को जब ऑथ टोकन नहीं है और ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है तो तब कॉल कर रहा हूँ म्यूटेशन ऑफ उसमें। अब ये गेट रिक्वेस्ट में ये चीज़ डाटा एक तो नहीं है, गेट में कोई डाटा नहीं होता, और ये वाला जो काम है वो यहाँ पे होगा। वंस अगेन डाटा कोई नहीं है, सिर्फ यूआरएल है, और ये बताना है कि ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है कि नहीं, और ये ना दैट्स इट। और ये गेट हो जाएगी और इसमें हेडर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये ऑन सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती शायद, तो इसको जी ऑन सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती जब अगर इनवैलिडेट, ज़्यादातर क्यूरीज जो होती है वो इनवैलिडेट उस पर ही होती है, म्यूटेशन पे तो इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया, क्यूरी क्लाइंट की भी ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ इतने से कोड की ज़रूरत है। ओके गेट करते हैं अब, और गेट करने वाला जो काम है वो भी मैं इसमें ही कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेटेड स्टेट में। यहाँ पर कॉन्स्ट दिस और गेट क्या करना है, ये बेसिकली जो चीज है यूआरएल एप एपीआई URLs डॉट गेट यूजर डाटा, और ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है ट्रू, उसको बाई डिफॉल्ट ट्रू कर देते हैं, जो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट नहीं होगी उसको मतलब फॉल्स कर देंगे।
इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें बेसिकली डाटा इस फैचिंग इस फैच में ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ओके चलो इसको बाद में देखो, अभी के लिए यहाँ पे देखते हैं। और काइंडली इनका जरा माइंड ना करिएगा, ये बेसिकली इसकी वजह से हो जाते हैं, ये स्ट्रिक्ट मॉक की वजह से। ये ले सिंगल एपी। ओके तो इसको ये डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में सही हो जाता है। डाटा यूजर डाटा जो के इज फैचिंग इज एरर। और बेसिकली ये जो यूजर डाटा है मैं लोकल स्टोरेज से सेट नहीं करवाना चाह रहा, ये ओके है। इस चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक दफा, जिसमें से मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ कॉल करना है, इसका और कोई काम नहीं है। इसका इसके साथ भी कोई काम नहीं है, इसके साथ भी कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेटस कॉल करना है दैट्स इट। और इसका ये काम है कि सेट टाइम आउट, यहाँ अभी के लिए इसको रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम इंटरवल पे लगा सकते हैं, इसको भी रहने देते हैं। अब ये जो चीज है इसमें यूजर डाटा पे इस फैचिंग पे और एरर पे होना है। और जब ये चीज और इस फैचिंग एंड इस एरर एल्स रिटर्न, बेसिकली जो एरर बाउंड्री है, एरर बाउंड्री वो ऐड कर देंगे और इसमें बेसिकली मैं मैसेज भी मैसेज स्ट्रिंग जो के मैसेज है जो यहाँ पर यहाँ पे आएगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैसेजेस डॉट जनरल डॉट फेल। समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहां पे मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। ये हो जाएगा। और अगर एरर नहीं है, ये है ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए,
ये भी चीज नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजर डाटा चाहिए, और जो कि बेसिकली यहाँ पर डाटा है, डाटा ही रहने दें इसको, डाटा। और इफ नॉट इज फैचिंग एंड नॉट इज एरर एंड डाटा एंड डाटा डॉट रिस्पॉन्स इसको कह देते हैं। क्रॉस डॉट डाटा डॉट ओके ओके अभी के लिए मैं इस चीज को यहीं पे कॉल कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट जो पॉथ की स्टेट है वो सही रहे, और फिर इसको मैं आगे लेके, बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इस चीज पे वापस आता हूँ। यहाँ पे आए और इसको कंसोल लॉग करें, ओके ये आ रहा है। और मैंने म्यूटेशन में ये कैसे काम किया था, रजिस्टर यूजर, उसमें रेस आया, उसको पार्स किया, और उसको मैंने कहा कि आई एपीआई रिस्पॉन्स ये चीज ओके। और यहाँ पर भी गेट यूजर में भी यही चीज है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से, क्योंकि हमें मेनली चाहिए वहां पर डाटा ही चाहिए, एज सच डाटा के अलावा हम और कोई चीज यूज नहीं कर रहे। और हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ओके इसको यहीं पर रहने दो, इस चीज को जो बाद में मैं चेक करके तो आपको बता दूंगा अगर इसका बेहतर हल होता है। अभी के लिए ये चीज़ ऐसे ही है, ये चीज़ भी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमने सबसे पहले इसको करना है पार्स यूजर डाटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, इसको ट्राई कैच में करो, ये एज आई ए पी आई रिस्पॉन्स आई यूजर यूजर, और प्रेस डॉट रिजल्ट डॉट डाटा, ठीक हो गया, ये चल गया। ये ना ये सही हो गया, और इस चीज को यूजर डाटा ही रहने दें, इसको ये कर, यहाँ पर सिर्फ एक चीज होगी, इफ दिस दस दैट, और ये चीज कंप्लीट होगी। इसमें अब आप देख सकते हैं कि यूजर डाटा की एपीआई वो भी गेट हो रही है, और यूजर डाटा जो है वो प्रॉपरली लोकल स्टोरेज में सेट हो रहा है, सॉरी स्टेट में सेट हो रहा है। इसको मैं कहीं पे भी आपको कॉल करके दिखा देता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे जैसे लॉगआउट का बटन है उसमें कॉल हो रहा है, तो इसमें अगर मैं इसको यूज करता हूँ यूजर डाटा आर स्टेट
इक्वल टू यूज वीक कॉइल वैल्यू यूजर डाटा स्टेट दिस और इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये प्रॉपरली जो है यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। दैट्स इट। एक चीज जो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ वो ये कि ये कहाँ कहाँ पे कॉल होगा। यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पे रजिस्टर फॉर्म पे और यहाँ ठीक ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हमें एक पेज चाहिए जिसपे के यूजर की जो डिटेल है वो शो की जा रही होगी और यूजर को उसके अपडेट करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि आप अपनी डिटेल जो है अपनी डिटेल्स को अपडेट कर लो। उसके लिए नेक्स्ट अब हम एक पेज बनाएंगे और वहां पे सिंपल जो लॉगिन का फॉर्म है इसको यूज करते हुए, लेकिन इस दफा हम ये वाला काम नहीं करेंगे, सिंपल सिर्फ लॉगिन का फॉर्म यूज करेंगे और उसमें अभी के लिए जो होगा सिर्फ और सिर्फ नेम की फील्ड होगी क्योंकि अभी सिर्फ वही है, उसकी वैल्यू एंटर करेंगे और दैट्स इट, उसको अपडेट एपीआई को कॉल कर लेंगे। ये काम हम नेक्स्ट करेंगे, पहले उसकी यूआई बनाएंगे और फिर उसकी एपीआई इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और ये सेक्शन है डिवाइड, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट कर लूंगा माई अकाउंट डेक्स डॉट टी एस एक्स और इसके लिए मैं लॉगिन के पेज को ही क्लोन कर लूंगा अभी के लिए। वैलिडेशन स्कीमा हमें चाहिए होगा, फील्ड्स हमें चाहिए होगी और डाटा भी हमें चाहिए होगा। नेम अभी के लिए सर नेम ही होगा, ओके यूजर अकाउंट डाटा और इस चीज को रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। और अभी मैं सिंपल इसको रखता हूँ क्योंकि ये बाद में भी मैं चेंज करूँगा।
माई अकाउंट और ये माई अकाउंट है। ओके, और यहाँ पे अब डाटा शो भी करवाना, तो उसका तरीका कार ये है कि const user data arg state use recoil value user data arg state item, अगर इस ये चेंज होता है तो फिर ये लो, ये हो गया। और अपडेट रिसेट ओके, और इस पे इसका यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेट यूज करना ही बेहतर है। यूजर और इसको गायब कर दो, ये चीज और इस चीज को जब ये फेच हो तो ये क्या होगा। अच्छा ठीक, यहाँ पर ये हुआ और इसको मैं ये डाटा रिटर्न कर देगा अपडेट। ओके, ये सब कंफर्म करना है कि जब इसकी अपडेट की कॉल हो तो ये अपडेटेड डाटा रिटर्न कर दे, जो कि ये ऑलरेडी कर रहा है। ओके, डाटा आएगा, डाटा एरर्स अगर कुछ हैं तो शो कर दिए जाएंगे, अदरवाइज डाटा और टोकन इस दफा नहीं आएगा और टोकन सेट नहीं होगा। और लोकल स्टोरेज में ये सेंड नहीं किया जाएगा। डाटा आया, डाटा सेट कर दिया गया और डाटा स्टेट पे भी सेट कर दिया। 1 2 यहाँ पे आए, अपडेट पोस्ट मेथड इज ओके, सॉरी वन टू थ्री अनऑथेंटिकेटेड अच्छा जी, लोकल स्टोरेज सेट नहीं हो रही। ओके, ये बेसिकली लॉगिन हो गया सक्सेस और डाटा वगैरह भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन ये लोकल स्टोरेज में से इतना सेट नहीं हो रहा।
ये बेसिकली यहाँ का ना थोड़ा सा अभी क्योंकि लॉजिक चेंज किया उसकी वजह से एरर आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे पहले इसे कमेंट कर लेता हूँ, बेसिकली कोड कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि ओके क्या फिर चेंज करने से ये एरर रिजॉल्व हुआ। अब HOC में जैसे मैंने कहा HOC में एरर है तो और एप्लीकेशन HOC उसमें आ जाते हैं, और एरर ये आ रहा है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये अभी क्योंकि ये लोडिंग आता रह रहा है, मतलब ये इस फैचिंग कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग इज फेचिंग ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हुआ है लेकिन मसला ये हुआ है कि ये ये अदरवाइज प्रोसेसिंग को खत्म करता है एटलीस्ट। ओके एक काम सही हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा था कि इस फैचिंग ये भी चेक कर रहा था कि ओके डाटा है कि नहीं, अगर नहीं था तो वो एंटर ही नहीं था कर रहा, इस वजह से स्टेट खत्म नहीं होती है। अब कम से कम वो काम सही हो गया, स्टेट खत्म हो रही है, मीन इसका कोड सही हो गया। अब नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो लॉगिन वाला है ये यहाँ पर सेट क्यों नहीं कर रहा। ओके वो सेट भी चल गया, ठीक है मेरे ख्याल से सब वही मसला था। लॉग आउट रिफ्रेश, एरर आ जाते हैं जब हम कोडिंग ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, तो एरर फिर काम चेंज करते वक्त अगर प्रॉपरली टेस्ट ना करें तो एरर आ जाते हैं, उनको सिर्फ डीबग थोड़ा करना पड़ता है और वो सही हो जाते हैं। बैट से लॉग आउट करने पे वो क्लियर हो रहा है, लॉग इन करने पे वो वापस आ रहा है, सिर्फ इतना ही काम। और ये जो प्लीज एंटर वैलिड डाटा वाला है ये मुझे मसला कर रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा ओके 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 ये इस वजह से हो रहा है। लॉग इन ये मैं आपको बताता हूँ, शो टॉस्ट ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वैलिडेट बार बार होता है, तो ये यहाँ पे मसले वाली बात है, हमें ये चीज़ सिर्फ यहीं पे करने की ज़रूरत है। इसको यहाँ से गायब किया, इसको भी यहाँ से गायब किया और इसको भी यहाँ से गायब किया, अब ये ठीक सेव। और ये जी ये काम ठीक हो गया, और यहाँ पे माई अकाउंट भी आ गए और ये भी काम मेरे ख्याल से सही हो गया जी। जी ये भी सही हो गया, और आज का वीडियो का एजेंडा भी यही था, हमने तीनों APIs इंप्लीमेंट कर ली हैं, गेट की, स्टेटस अपडेट की और यूजर डाटा अपडेट की। इसको क्लोज कर लेते हैं, कोड कमिट कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा अभी तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम मेन चीज से काम करेंगे, और यहाँ पर बेसिकली एक चीज मुझे नजर आई है जो कि मैं यहाँ पे पहले देखना चाहूंगा, रिएक्ट राउटर V6 आउटलेट। ओके
ओके, ठीक है, मतलब ये चीज़ इसमें भी थी, सॉरी, क्योंकि मैंने ना V6 को अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं था किया। मैंने जब ये मुझे आयोनिक पे मसला आया था V5 में, उसके बाद मैं उस पर चला गया था, टेन स्टैक राउटर पे। तो ये चीज़ इसमें अवेलेबल है, आउटलेट। ये सॉरी मेरी गलती है, मैंने इसको सही नहीं किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पहले जो है नेविगेशन उसको सही करेंगे। उसको सही करने का फायदा ये होगा कि ये जो हम बार बार लगे हुए हैं इस चीज पे, जो हमने राउट्स में ये काम किया उसको हम बेहतर कर सकेंगे। हम उसको बेसिकली देख लेंगे, एक अच्छे तरीके के साथ उसको कवर कर देंगे। और जो बाकी भी जो पूरी नेविगेशन वाला है, जो मतलब कॉमन कंपोनेंट्स, टॉप बार आ गई, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन, कॉपीराइट सेक्शन, वो जो होगा वो हमारा यहाँ पे रिपीट होगा इस डैशबोर्ड, मतलब मेन लेआउट में, जो कि स्लैश पे आएगी। और उसके बाद उसके अंदर जो भी राउट होगा वो सारा उसमें आएगा। और ऑब्वियसली हम अपने पैटर्न ही यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ इन्होंने ऐड कर दी हुई है अवे फ्रॉम, इसको मीन इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। चलें, खैर, होपफुली आयोनिक इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेगा और हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये काफ़ी मज़ेदार, अच्छा लगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज का अलर्ट आपको मिलता रहे और आप उनसे आगाह रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.